में हुए MI-70 हेलीकॉप्टर क्रैश में कानपुर का जवान भी शहीद हो गया। कानपुर के चकेरी थाना इलाके के मंगला विहार में रहने वाले राम प्रकाश पांडे के इकलौते बेटे दीपक पांडे का चयन 2012 में एयरफोर्स में हुआ था। इस समय दीपक की तैनाती जम्मू कश्मीर के एयरबेस में कापुल के पद पर थी। आज सुबह अचानक MI-70 हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद अनियंत्रित होकर वो जम्मू के बड़गांव इलाके में गिरकर क्रैश हो गया, जिसके बाद उसमें सवार जवान दीपक पांडे शहीद हो गए। जैसे ही खबर उनके परिवार वालों को मिली तो उनके होश उड़ गए। था पिछले श्रीनगर श्रीनगर पोस्टेड था, कल बात हुई थी 8 बजे 8:30 बजे तो पूछा हमने, खाना खाया तो बोला अभी नहीं खाया, क्या रहे खाने। और वहाँ की कोई सिचुएशन के बारे में कुछ बताया था? नहीं भैया, सिचुएशन बारे में पूछती नहीं। उसकी माँ ने पूछा भी कैसा क्या चल रहा, कुछ नहीं ठीक है। 2012 में ये ज्वाइन की थी, 7 साल हो गए थे और ये सेकंड पोस्टिंग थी दीपक की वहाँ पर, और दुर्घटनाग्रस्त हुआ है चॉपर मौसम की खराबी के कारण। एक वीर लाल देश ने खो दिया, बहुत ही दुख की घड़ी है लोगों के लिए। कश्मीर के बड़गांव में आज एक चॉपर क्रैश होने से कानपुर के लाल दीपक पांडे शहीद हो गए। दीपक पांडे ने वर्ष 2013 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था और चकेरी के मंगला विहार इलाके के रहने वाले थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो अपने परिवार में इकलौते थे। शहीद दीपक पांडे के परिवार को जब खबर मिली तो घर पर लोग आने वालों का हुजूम इकट्ठा हो गया, और अभी भी लोगों के आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। दीपक का पार्थिव शरीर कब से यहाँ पहुँचेगा इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो आला अधिकारी और यहाँ सुबह कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आए थे वो भी अभी परिवार से मिलकर ढांढस बिठाकर यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ पहुँच रहे लोगों को दीपक के पार्थिव शरीर का इंतजार है, जिसको अंतिम दर्शन कर सकें। जब पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा तो उनके शरीर पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि राष्ट्रीय सम्मान के साथ की जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीत दीक्षित, भारत समाचार कानपुर।